हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नर। और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 10 ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर यूनिट 3 रिगार्डिंग CSIR UGC नेट लाइफ साइंस। जो प्रीवियस वीडियो हमने उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात करी है, तो वो सारे टॉपिक्स आपने मुझे लग रहा है कि शायद पढ़ लिए होंगे अच्छे से, और शुरुआत तो कर ही दी होगी पढ़ने की। नहीं भी करिए तो पहले नोट डाउन कर लीजिए उन टॉपिक्स को, फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज हमें क्या यूनिट 3 के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले हम यूनिट 3 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। आपका यूनिट 3 क्या है? फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस मीनिंग की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें जो है आपके टोटल 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में क्या क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। तो टोटल आपके कितने बने? ये 4 सेक्शन बने हैं। हर एक सेक्शन में यदि आप देख रहे होगे तो 5 to 7 टॉपिक हैं, तो इस तरीके से आपके अगेन कितने 35 to 40 टॉपिक्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना भी नहीं है, प्रिपेयर भी नहीं करना है। हम यहाँ पर केवल उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हर एक ईयर जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले हमें उन टॉपिक्स को टारगेट करना है। टारगेट कैसे करना है? स्मार्ट अप्रोच के साथ। यदि याद हो स्मार्ट अप्रोच में आपका क्या क्या आना है, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक, जो मैं ऑलरेडी मैं आपको बता दे रही हूँ, आप तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है। एंड सेकंड आपका क्या है कि क्वेश्चन टाइप। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यूनिट 3 में बेटा, अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, तो अगर इससे रिलेटेड हमें कोई क्वेश्चन मिल भी रहा है तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन यूनिट 3 में आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बहुत से पूछे जाते हैं। तो हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट यहाँ पर करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन यूनिट 3 में पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की। तो इसमें 10 ईयर के एनालिसिस के बाद हमने क्या देखा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। इससे अभी तक आपके 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 29 क्वेश्चंस, ठीक। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना ज़्यादा है। तो यूनिट 3 में सबसे पहले हमें यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और ऐसे पढ़ लेना है कि फिंगर टिप पे आ जाए एकदम, ठीक। तो आपका पहला टॉपिक होगा यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, इससे 29 क्वेश्चंस है। रेप्लिकेशन बेसिक्स भी आपको पढ़ना है जिसमें 26 क्वेश्चन है। आरएनए प्रोसेसिंग 23 क्वेश्चन है। जीन एंड क्रोमोसोम 19 क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन 18 क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स 17 क्वेश्चन। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स 15 क्वेश्चन। ट्रांसलेशन बेसिक्स 15 क्वेश्चन। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स 15 क्वेश्चन। रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स 14 क्वेश्चन। इन म्यूटेशन में अगेन 40 क्वेश्चन। तो आपने देखा कि टोटल 11 टॉपिक है आपके जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक है। सबसे पहले यूनिट 3 में आपको ये 11 टॉपिक में नोट डाउन करने हैं और इनको प्रिपेयर करना है। फिर हम सेकंड कैटेगरी आएगी मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की, तो इसमें अगेन 12 हैं आपके। 12 टॉपिक कौन कौन से हैं बेटा? वो है आपका डीएनए रिपेयर, इससे कितने 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट 12 क्वेश्चंस हैं। वायरस जीन रेगुलेशन 11 क्वेश्चन। इनहिबिटर्स से 10 क्वेश्चंस हैं। जीन रेगुलेशन 7 क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिक 6 क्वेश्चन है। RNA एंड tRNA प्रोसेसिंग 6 क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेशन 5 क्वेश्चन। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से 5 क्वेश्चन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन 5 क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट 4 क्वेश्चन। एंड जो आपके मिसलिनियस टॉपिक है, मिसलिनियस टॉपिक आपको पता होंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो 2 to 3 टॉपिक हैं उनमें एक साथ जा सकते हैं। जैसे यदि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो DNA रिपेयर में भी जाता है और उसी में वो क्वेश्चन पता चले DNA रेप्लिकेशन में भी फिट हो रहा है, इस तरीके के टॉपिक होते हैं मिसलिनियस, जिससे खाली 3 ही क्वेश्चंस आए। तो आपके टोटल 11 जो थे वो हाईली फ्रिक्वेंट थे और बाकी जो आपके 12 है वो मीडियम एंड लेस है। तो इस तरीके से आपके 23 टॉपिक बन जा रहे हैं। अब 23 टॉपिक बहुत कम है जो आपकी यूनिट्स, जो अगर आप 3rd यूनिट देखोगे उसकी कंप्लीट सिलेबस की बात करोगे तो उसमें टोटल 40 टॉपिक्स थे। तो 40 टॉपिक्स के कंपैरिजन में यदि आपको ये 23 टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने तो ये बहुत कम है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करना है। इस वीडियो में अभी मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे हर एक टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इसकी इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल मैं आपको वो ही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं।
आई होप कि ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर हेल्पफुल हैं तो लाइक कर लिए, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा यदि कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लिसनिंग।